देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जबलपुर के बरगे विधानसभा के नर्मदा किनारे स्थित दद्दा घाट में ब्लॉक मंडलम सेक्टर सहित बूथ कमेटी के प्रभारियों के बीच एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश के पूर्व कांग्रेस मंत्री व जबलपुर लोकसभा के प्रभारी सुखदेव पांसे शामिल हुए और सभी को किस तरह बूथों में कार्य कर लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। इस दौरान बरगी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक संजय यादव ने सुखदेव पांसे को चुनाव के दौरान होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए भाजपा को टक्कर देने की रणनीति बनाई है। इसके साथ ही संवाद कार्यक्रम में बरगी विधानसभा के सैकड़ों आदिवासी कार्यकर्ता, नेता और किसान मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री व जबलपुर लोकसभा प्रभारी सुखदेव पांसे ने कहा, जिस तरह भाजपा ने विधानसभा में झूठी घोषणाएं कर जनता के वोटों को छलने का काम किया है, उसे हम जनता के सामने लाने का कार्य करेंगे। देखिए, हमारी ये कांग्रेस पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है। विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार हम हर विधानसभा में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं, उनकी राय शुमारी कर रहे हैं। हमारी जो गलतियां विधानसभा में हुई हैं उनको हम सुन रहे, समझ रहे और उनको सुधारने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में आम जनता से वादे किए थे और धोखे में रह के हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया। षड्यंत्र के तहत झूठे वादे करके, झूठी बातें करके, झूठी घोषणाएं करके जो आम जनता के वोटों को छलने का काम किया और धोखा देने का काम इस मध्य प्रदेश में किया है, उसको हम सड़क तक ले जाकर संगठन के माध्यम से उजागर करेंगे और आम जनता को न्याय दिलाएंगे। जैसा हमारे राष्ट्र के नेता आदरणीय राहुल जी पूरे देश के हक और अधिकार की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे न्याय यात्रा के माध्यम से, वैसे ही हमारा हर कार्यकर्ता गांव स्तर पर जाकर जो खरीदी केंद्र है वहां जाकर ज्ञापन देगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने गेहूं प्रति क्विंटल 2700 रुपये खरीदने की बात की थी, वो 2700 रुपये के हिसाब से हमारा पेमेंट होना चाहिए किसानों का। देखिए, हमारे जबलपुर लोकसभा के समन्वयक सुखदेव पांसे जी का आगमन हुआ और प्रत्येक विधानसभा वाइज हम सम्मेलन कर रहे और ये बरगी विधानसभा का अत्यंत महत्वपूर्ण और सबसे जोरदार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संवाद था कि हमें आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ना है और प्रयास करना है जीतने के लिए। और बरगी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस परिवार के समस्त सम्माननीय सदस्य कार्यकर्ताओं में जोश है, वो चुनाव की परिस्थिति सबको मालूम है कि चुनाव कैसे लुटा है, वो चीज़ों को भूलते हुए आने वाले समय में हम लोकसभा में कांग्रेस का अपना सांसद बना सकें, इसके लिए बैठक रखी गई है कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए और देश फॉर डोनेशन के लिए, ताकि कार्यकर्ता अपने उससे 138 रुपये देगा तो उसको भी एक भावना आती है कि हम देश के लिए 138 रुपये दे रहे, उसके लिए बैठक रखी गई थी। देखिए, भगवान के नाम से वो लड़ रहे हैं, राम तो हमारे भी हैं और राम मंदिर तो सबके सहयोग से मिला, हम सबके सहयोग से बना है, तो अगर वो कमज़ोर हैं तभी तो राम का सहारा ले रहे, अगर जनता के लिए कुछ किया हो तो राम का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। हम तो उन मुद्दों पे बात करेंगे जिन मुद्दों पे जनता से उन्होंने बात अखिलाफी की, चाहे 3000 रुपये देने की बात की हो लाड़ली बहना को और चाहे किसानों को 2700 रुपये और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात की हो, वो नहीं मिल रहा। 450 रुपये में गैस नहीं मिल रही। अगर लोगों को लगता है कि 3000 रुपये देने को कहा था और नहीं दे रहे तो वोट कांग्रेस को देना चाहिए उसको। जबलपुर से टीम लोक मंगल।